फ्रेंड्स, हुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन मंचूरियन। ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस डिश है। तो ये चाइनीज़ डिश है, तो देख लीजिए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हमने मैरिनेट करके रखेंगे चिकन को, तो हमने आधा किलो चिकन ले लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये देखिए, एक चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक चम्मच हमने सोया सॉस लिया है, एक अंडा लिया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है, आधा चम्मच हमने नमक लिया है, एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल के मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो देखिए, हमने ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं और अब इसे हम मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। हमने मिक्स कर लिया है और इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और आइए हम दोस्तों, हम आपको ग्रेवी का दिखाते हैं। हमने ये शिमला मिर्च काटी है और एक हमने ये आधी हमने आधी ली है लहसुन की जवे, आधी लहसुन की जवे ली है हमने, आधा हमने लहसुन लिया है, ये हमने काट लिया है बारीक बारीक। और हमने 2 प्याज काटी हैं, देखिए ऐसे काटी है। और देखिए, हमने 1 चम्मच हमने मिर्च ले ली है, आधा चम्मच हमने नमक लिया है। नमक इसलिए हमने आधा लिया है क्योंकि हमने उसमें भी डाला है चिकन में। और आधा चम्मच हमने चीनी ली है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है, और ये 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 चम्मच हमने विनीगर लिया है, और 1 चम्मच हमने सोया सॉस लिया है, 2 से 3 चम्मच हमने ये टमाटर केचप लिया है, और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी का सामान है ये। तो आइए दोस्तों, बनाते हैं हम ग्रेवी। और इसमें 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है, तेल को ज़रा होने देंगे। तो देखिए, उसके बाद ये लहसुन हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, 2 मिनट के लिए हम इसे लहसुन को चलाएँगे, थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, 2 मिनट हमारा हो गया है। अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसे भी हम 2 मिनट के लिए चलाएंगे, ताकि कच्चा पना निकल जाए इसका। तो देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और अब ये हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे। हमारा मसाला भून गया है। अब इसमें हम विनीगर डालेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे और ये शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए अब इसमें भूनेंगे हम। तो देखिए, हमारे 2 मिनट हो गए हैं और इसमें ये देखिए, 1 कटोरी पानी डाल देंगे और देखिए, 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। आँच इसकी हल्की कर देंगे और देखिए, हमने ये पैन रख दिया है और इसमें हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें ये हमारा मैरिनेट हो गया है चिकन। तो अभी हम 1 बाय 1 पीस इसमें तलेंगे, तो आपको दिखाएँगे हमारा तेल हो जाए तब दिखाएँगे आपको। और देखिए, इसी में हम ये टमाटर केचप भी डाल देंगे। और देखिए, 5 मिनट के लिए अब इसे हम ढक के हल्की आंच में रख देंगे, ताकि ये हमारे प्याज और ये शिमला मिर्च गल जाए। और फ्लावर का ये घोल बना लिया है, इसमें पानी डाल के ये देखिए, ये हमारी हो जाए। तो हम ये घोल इसी में डालेंगे। तो देखिए, ये हमारा हो गया तेल और 1 बाय 1 हम इसमें पीस डालेंगे मुर्गे चिकन के। ये देखिए, 1 बाय 1 हम इसमें पीस डालेंगे, सारे पीस डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने ये सारे पीस पर रख लिए हैं और ये भी होने देंगे हम। तो जब तक हम ग्रेवी खोल के देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी अभी शिमला मिर्च गली रही है और ये भी गलने देंगे 5 मिनट, हल्की आँच में रख देंगे। 5 मिनट लाल मिर्च
डालेंगे, हम बताना भूल गए थे आपको। तो देखिए हमने ये खोल लिया है, तो देखिए हमने ये खोल लिया है और अब ये हमारे ये गल गई हैं शिमला मिर्च प्याज। ये देखिए हमारा चिकन भी हो गया है और ये देखिए हमने ये जो घोल बनाया था अब ये हम ग्रेवी में डालेंगे। डालने से पहले ये घोल को हम ऐसे चला लेंगे क्योंकि नीचे बैठ जाता है कॉर्नफ्लावर। तो देखिए अब हम धीरे धीरे डालेंगे। ये देखिए और देखिए हम इसे चलाएंगे। हमें जितना थिक ग्रेवी चाहिए उतना ही डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। तो ये देखिए हमारी ये थिक ग्रेवी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए 2 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे। हो गया है हमारी ग्रेवी थिक, ज़्यादा थिक नहीं है। अब इसमें आप पानी डालना चाहें तो और डाल सकते हैं। और अब इसमें हम चिकन डालेंगे। ये देखिए ये हम चिकन डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमने चिकन डाल लिया है इसमें सारा और अब इसे हम मिक्स करेंगे। और देखिए 1 चम्मच हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे। और देखिए ये हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच में रख देंगे चिकन को। तैयार हो गया है, अब आपको डिश आउट करके। ये हमारा चिकन मंचूरियन बनके तैयार हो गया है और देखिए बहुत टेस्टी है ये। खाने में जितना देखने में लग रहा है वैसे उतना खाने में ही टेस्टी है ये। और आप ऐसे बनाइए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।